हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले कि आप व्हाट्सअप से किसी को पैसा कैसे भेज सकते हैं। जैसे फ़ोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, वैसा ही आप व्हाट्सअप से भी किसी को पैसा भेज सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, व्हाट्सअप से पैसा भेज सकते हैं। तो सबसे आपको पहले 3 डॉट बिंदु पर प्रेस करना है, उसके बाद आपको नीचे से 2 नंबर में पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा ऐसा फीचर आ चुका है, लेकिन आप सोच रहे हैं यहाँ पे कहाँ पर प्रेस करें कहाँ पे नहीं प्रेस करें, तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर प्रेस करना। आपको नीचे ऐड पेमेंट मेथड है लिखा हुआ, इस पर आपको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेंड एंड रिसीव मनी सेकुलरली राइट वेयर यू चैट्स, यानी चैट्स के बगल में ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। तो नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, उस पर आपको प्रेस करना है। प्रेस किए उसके बाद ये आपको बैंक का सेटअप करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। देख सकते हैं ये बैंक का ऑप्शन आ गया है, आप बैंक से जुड़ सकते हैं। कौन बैंक है आप बैंक से जुड़ सकते हैं, तो फिलहाल मेरा केनरा बैंक है, और हो सकता है जहाँ तक बताएंगे हम तो इंडियन पोस्ट, मेरा इंडियन पोस्ट भी है तो केनरा को ले लेते हैं। केनरा के लेने के बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पर वेरीफाई पर हम प्रेस करेंगे। और वेरीफाई प्रेस करने के बाद एक OTP गिरा, बैंक अकाउंट नॉट एडेड, यानी मैसेज नहीं गिरा है क्योंकि मेरा उस नंबर में रिचार्ज है नहीं। अगर ऐसा सीन आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, इसका मतलब इसी वीडियो में समझा देता हूं। अगर ऐसा सीन आता है तो आपके OTP नहीं गिरता है, रिचार्ज नहीं रहता है, मैसेज नहीं रहता है, तब ऐसा सीन होता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, उस नंबर पर आप रिचार्ज करवाइए और उसके बाद आराम से आप पे OTP गिर जाएगा और आराम से आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी बैंक है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं केनरा पर प्रेस करके दिखाया ही था, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे प्रेस कीजिए और मैसेज गिरेगा, लेकिन मैसेज गिरता ही नहीं क्योंकि मेरे में रिचार्ज है नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।